फायर बोल्ट का पत्थर। सर फोड़ना है तो इससे फोड़ लो, हिंसात्मक बयान नहीं देना। हिंसा वाली बात है नहीं भाई। तू जैसा है अपनी वॉच का डब्बा आगे से पीछे से देख सकते हो कैसा है। तू कुछ ऐसी है भाई अपनी वॉच, वाह चालू कर रखी है हमने, यूज कर रहा हूँ कुछ दिन से। कुछ ऐसा इसका स्ट्रैप इस डब्बे में आता भाई, अपनी चार्जिंग केबल, ये भाई मैग्नेटिक पिन वाली है, और ये चार क्लिप्स मिलती है हमको इसके अंदर, इनके थ्रू हम अपने स्ट्रैप को लगा सकते हैं। तो कुछ ऐसे स्ट्रैप को इसके अंदर यहाँ पर हमें डालना है, देन इस क्लिप को हमें यहाँ पर इस छेद में डालना है, ऐसे इसको यहाँ पर फिट करना है, स्ट्रैप लग जाएगा अपना, ऐसे दूसरे को डाल लो, ये हो गई सेट। और दो एक्स्ट्रा मिलती है इनकेस अगर खो जाए तो, एक यूजर मैनुअल और वही कुछ सब्सक्रिप्शन वगैरह। तो स्ट्रैप की क्वालिटी जो है ना वो भी मुझे काफी ज्यादा सही लगी इसकी, डेफिनेटली एक अच्छा स्ट्रैप है ये। एंड अपने पास है इसका ब्लैक कलर, बाकी वैसे जितनी बेजल लेस ये डब्बे में दिखाई है उतनी बेजल लेस है नहीं है एक्चुअल में, डिफरेंस देख सकते हो तुम, ठीक है मतलब बहुत कम भी नहीं है, खास करके अगर ब्लैक वॉल पेपर लगाओगे तो इतना फील नहीं होगा। तो फ्रंट से कुछ ऐसी दिखती है अपनी वॉच, एंड बैक साइड से कुछ ऐसी, पूरा ग्लोसी फ्रेम है पीछे से भी एंड आगे से हर जगह से, एंड वैसे है ये मेटल फ्रेम के अंदर, तो लाइटों में चमकती मस्त है ये। बाकी पहली लुक में तुम देख करके ये कह सकते हो कि पिक्सल वॉच को सीधा सीधा उठा के चेप रखा है, एक सस्ता वर्जन कह सकते हो पिक्सल वॉच का। बाकी एकदम गोल मोल सी वॉच है ये, साइड से भी और हर जगह से एकदम कर्व्ड है बिल्कुल। बाकी यहाँ राइट साइड पर हमें इसका एक क्राउन मिलता है, एंड ये वर्किंग क्राउन है, एंड एक बटन मिलता है जिसको प्रेस करने पर स्पोर्ट्स मोड अपने को विजिबल हो जाते हैं सारे, एंड इस क्राउन को प्रेस करके हम मेन्यू को एक्सेस कर सकते हैं। बाकी अगर इसे हाथ में पहने तो हाथ में पहनने पर कुछ ऐसी लुक आती है, बाकी डेफिनेटली पहनने में कंफर्टेबल है एंड ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती, स्ट्रैप की क्वालिटी अच्छी है क्योंकि, बाकी मेरे हाथ पर कुछ ऐसी सूट कर रही है ये। डायल ना इसका मतलब डिसेंट साइज का है, तो अगर मेरे हाथ से थोड़ी सी भी छोटी कलाई होगी तो जच जाएगी, लेकिन अगर बहुत ज्यादा पतली कलाई है ना तुम्हारी तो उस पे ज्यादा सूट नहीं करेगी है, तो अपने हिसाब से देख कर लेना। बाकी डिस्प्ले इसके अंदर अपने पास 1.3 इंच की एक एमोलेड डिस्प्ले, 390x390 का रिजोल्यूशन है इसका एंड 550 निट्स की पीक ब्राइट, बट आउटडोर में कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुझे कम लगी, लाइक 550 निट्स मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हें कुछ दिखेगा नहीं, दिखेगा सब कुछ, बट थोड़ी सी मुझे कम लगी आउटडोर के हिसाब से, पर काम चल जाएगा डेफिनेटली। बाकी कलर्स वगैरह भी सही लगे मेरे को, काफी वाइब्रेंट आते हैं एंड अच्छे कलर्स हैं इसके, जैसे एमोलेड डिस्प्लेज में आते हैं, तो उसमें भी मुझे ऐसा कोई डिफरेंस नहीं लगा इसके अंदर। बाकी बेजल्स इसकी थोड़ी सी मोटी लगी मेरे को, और ज्यादा कम होती तो बढ़िया लगता क्योंकि कर्व्ड है ना डिस्प्ले, तो उसमें और ज्यादा अच्छी लगती। बाकी एमोलेड है तो इसके अंदर हमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी मिलती है, एंड दो तरह के वॉच फेसेस हमें फिक्स हैं ऑलवेज ऑन के अंदर जो हम चेंज नहीं कर सकते, एक एनालॉग है और एक डिजिटल है। बाकी रेस टू वेक इसका काफी सही काम करता है, जब भी हाथ घुमाओ ऑन हो जाता है, पर इसमें पता नहीं क्यों हमें टच टू वेक का फीचर नहीं मिलता, पता नहीं क्यों नहीं देते ये लोग, दे सकते हैं जबकि दे तो काफी ज्यादा काम आसान हो जाएगा, मतलब यार कभी कभी काम नहीं करता तो टच करके वेक कर लो, बार बार बटन दबाते रहो, फीलिंग समझो। बाकी इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग हमें मिलती है, तो माइक एंड स्पीकर इसमें लगा हुआ है, डायरेक्ट इसके थ्रू बात कर सकते हो, एंड फोन में अगर कुछ गाना वाना बजाना है इसको स्पीकर बनाना है तो वो भी बन जाएगा। तो ये वॉच के माइक की आवाज देख लो, कुछ ऐसी आवाज जाएगी वॉच के थ्रू किसी के पास जिससे भी तुम बात करते हो। तो ये भाई अपने वॉच के स्पीकर की आवाज, कॉल पे बात करते हो तो कुछ ऐसी आवाज आएगी, फटाफट सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया तो इसी बात पे। एंड IP68 वाटर एंड स्प्लैश प्रूफ है ये, तो अगर कोई पानी की छींटे वीटे आते हैं या फिर बारिश वारिश में इसे यूज करते हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट स्विमिंग पूल पे लेके मत कूद जाना स्पोर्ट मोड लगा के, उस चीज का ध्यान रखना। बाकी सेंसर इसके अंदर भी ऑलमोस्ट सारे हैं, फिर चाहे एक्टिविटी ट्रैकिंग हो या फिर हार्ट रेट मॉनिटरिंग, स्लीप मॉनिटरिंग एंड बाकी फीमेल हेल्थ केयर एंड SPO2 वगैरह भी मिलता है इसके अंदर, एंड मैंने जितना भी टेस्ट किया ऑलमोस्ट सही चीजें दिखा देता है, अगर हाथ में ना पहना हो तो हार्ट रेट वगैरह ट्रैक नहीं करता, ये जेन्युइन चीज है इसमें, मतलब नकली नहीं है वो चीज, पर स्टिल मैं यही कहूंगा कि इस पर रिलाय मत करना, अगर कोई सीरियस दिक्कत आती है ना तो प्लीज डॉक्टर के पास जाओ, वो ज्यादा अच्छे से उनके इक्विपमेंट बता पाएंगे। और इस वाले बटन से स्पोर्ट्स मोड आ जाते हैं, एंड काफी सारे स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं भाई इसके अंदर हमें, तो जितने भी स्पोर्ट्स मोड हमें यहाँ पर इसके अंदर विजिबल हैं ये सारे स्पोर्ट्स मोड इसके अंदर हमें मिलते हैं। बाकी मेडिटेशन मिलता है इसमें ध्यान केंद्रित करने के लिए, एंड वॉइस असिस्टेंट भी मिलता है इसमें, तो गूगल सीरीज सब बातचीत आराम से इसके थ्रू। बाकी चार तरीके से मेन्यू स्टाइल चेंज हो जाता है इसका, तो अभी जैसे ये वाला चल रहा है तो ऐसा भी कर सकते हैं हम इसको, एक ये वाला भी आ जाता है एंड एक सर्कल वाला। बाकी बैटरी बैकअप की बात करें तो 3 से 4 दिन तक इसकी बैटरी आराम से चल जाएगी, एंड अगर ब्लूटूथ कॉलिंग पर यूज करते हो तो 1 से 2 दिन तक आराम से बैकअप इसका मिल जाएगा, जितना मैंने इसे यूज किया उस हिसाब से। बाकी वॉच फेसेस इसके अंदर हमें 4-5 इनबिल्ट ऑलरेडी मिलते हैं, और भी ज्यादा वॉच फेसेस ऐड करने हैं तो इसकी एप्लीकेशन के थ्रू हम वो चीज कर सकते हैं, एंड कस्टम वॉच फेस भी लगाना है तो वो भी हो जाएगा। तो ये ऑनवियर प्रो के नाम से इसकी एप्लीकेशन है। मेरे को एक चीज समझ नहीं आई कि हर अलग वॉच का एक अलग एप्लीकेशन क्यों इन्होंने लिंक कर रखा है, मतलब थर्ड पार्टी एप्स के साथ, दा फिट, ग्लोरी फिट, फायरबोल्ट की एक इनविंसिबल वाली ऐप, और अब ये एक ऑनवियर क्या नाम है इसका प्रो। भाई एक
एक एप्लीकेशन बना के सब लिंक कर दो ना, क्यों मतलब ये चीज करनी है। तो होम पेज पर हमें सारी एक्टिविटीज वगैरह दिखा देता है ये, एंड यहाँ पर डायल सेंटर में जाएंगे तो इसके सारे डायल्स वगैरह हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। ये लोड हो रहे हैं धीरे धीरे, जितना भी मैंने इसे टेस्ट किया मतलब काफी सारे डायल्स को तुम लगा सकते हो यहाँ से। यहाँ पर इन सब का डेटा वगैरह शो हो जाता है, एंड यहाँ से एक्सरसाइज वगैरह चालू कर सकते हो। जीपीएस ये स्मार्टफोन का ही यूज करता है, एंड यहाँ पर तुम्हारी प्रोफाइल शो हो जाएगी और यहाँ से जितनी भी सेटिंग्स वगैरह है वो चेंज कर सकते हैं हम वॉच की। एंड मोर सेटिंग्स में जाएंगे तो ये सारी सेटिंग्स हमें मिलती है इसके अंदर, और ये अपनी प्रोफाइल है। वॉच यूआई की बात करें तो ऊपर से हमें मिल जाते हैं ये कुछ शॉर्टकट्स वगैरह, नीचे नोटिफिकेशन आते हैं, एंड लेफ्ट साइड पर एक विजेट मिलता है आपको क्विक एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि वर्कआउट हो गया या फिर सेटिंग्स वगैरह ओपन करना हो या फिर फोन वोन मिलाना हो। राइट स्वाइप करोगे तो यहाँ पर एक्टिविटीज वगैरह दिखा देगा, हार्ट रेट, स्लीप, और यहाँ से कोई ऐड करना है तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं विजेट को। बाकी बटन प्रेस करके मेन्यू आ जाता है, एंड इस वाले बटन से हमारे सारे वर्कआउट आ जाते हैं। तो इसका यूआई मेरे को ओवरऑल स्मूथ लगा एंड बेटर लगा, मतलब कोई जिटरनेस फील नहीं होती है। अब अगर फाइनल बातचीत करें इस स्मार्ट वॉच के बारे में, तो मैंने अभी तक जितना भी इसे यूज करा है उस हिसाब से अगर मैं बताऊं तो एज सच लुक वाइज कोई भी दिक्कत नहीं आती, एकदम पिक्सल वॉच वाली वाइब देती है ये। एंड काफी लोग तो मुझसे पूछ भी चुके हैं, भाई कौन सी घड़ी डाल रखी, तूने अलग ही चमक रही है। तो लुक्स इसकी डेफिनेटली बढ़िया निकल के आती है, एंड हाथ में पहने हुए भी भाई बढ़िया दिखती है मतलब। बाकी अभी इसका प्राइस कुछ 3500 के आसपास चल रहा है, तो अगर तुम्हें 3000 के आसपास ये मिल जाती है तो ये डेफिनेटली बहुत ही अच्छी स्मार्ट वॉच है, क्योंकि डिस्प्ले वगैरह भी एमोलेड है इसमें, एंड बाकी सारे फीचर इसके अंदर हमें मिलते हैं जो कि तुम्हें और किसी भी स्मार्ट वॉच में देखने को मिल जाते हैं। तो उस हिसाब से मुझे कोई भी दिक्कत नहीं लगी, डेफिनेटली तुम इसे प्रेफर कर सकते हो। तो देख लेना अपने हिसाब से, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा, खरीदना चाहो तो खरीद भी सकते हो, और इन वीडियोस को भी चेक करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मार देना, सब्सक्राइब भी कर देना लाल बटन के बेल आइकन पे ऑल, और हम मिलेंगे ऐसी किसी मस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।